नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूपी 100 न्यूज टीवी में। मैं अतुल तिवारी आपको लेकर आया हूँ जनपद सीतापुर में। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों में समीक्षा बैठक में माननीय विधायक हरगोविंद भार्गव ने प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार वैक्सीन के नाम पर बड़े बड़े बातें कर रही हैं, किंतु हकीकत तो कुछ और ही है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सरकार ने महामारी को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया। इसी के साथ विधायक जी ने सरकार से भी ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की बात कही थी, किंतु सरकार ने उस पर कोई खास कदम नहीं उठाया। विधायक जी ने अपनी विधायक नीति से तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवाने का ऐलान किया। विधायक हरगोविंद भार्गव ने बताया है कि वह क्षेत्र के गांव-गांव जाकर कोरोना महामारी के तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं तथा जन संपर्क कर रहे हैं, लोगों में कोरोना महामारी से बचने के उपाय बता रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। कोरोना से निपटने के लिए सर आपके क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने हमारे क्षेत्र में क्या, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की अब व्यवस्था को देखने को मिली है, और आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अगर टीवी चैनल देखते होंगे तो दिखाई दिया होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के लिए कितनी व्यवस्था किया था कि आज लाखों लाशें इलाहाबाद संगम तट से लेकर फाफा पुल तक, लाखों लाशें जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, वो सरकार की तैयारी थी कोरोना से निपटने के लिए। कोरोना तैयारी होती तो ये फाफा माउ से लेके और संगम तक ये लाखों लाशों का आईना देखने को न मिलता। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? अब फिलहाल सरकार की तरफ से तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सरकार ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो कुछ नहीं किया। मैंने मुख्यमंत्री के OSG साहब का फोन आया था तो मैंने उनसे ऑक्सीजन कहा था कि हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन तक ना दे सके, और उसी जिस दिन उनका फोन आया उन्होंने कहा मैं ऑक्सीजन भिजवा रहा हूं, उसी दिन हिंद हॉस्पिटल में 4 लोगों की बिना ऑक्सीजन के मौत हो गई। अब तीसरी लहर के लिए फिलहाल अभी तो कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से दिखाई नहीं देती है। मैंने अपने विधायक निधि से हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने डबल नोजल का 10 किलो, मतलब 10 किलो या 10 लीटर कह लीजिए आप, 10 लीटर का मैंने डबल नोजल का तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लिया है, और कल वो लग भी जाएंगे और कल उसका उद्घाटन भी हम करने जाएंगे तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। विधायक जी ये बताइए, आप गांव गांव जाकर भ्रमण आपने किया, गाँव की क्या पोजीशन है? गाँव की स्थिति बहुत खराब है। गाँव गाँव जाके हम लोग प्रयासरत हैं कि जितनी जल्दी हो सके तीसरी लहर आने के पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन सरकार की सिर्फ कोरी कल्पना है, ना तो कहीं वैक्सीन दिखाई देता है और ना ही कहीं जो है गांव में कोई व्यवस्था दिखाई देती है। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, बस लेकिन वादे ही तो कर रही है सरकार, वादे ही कर रही है कि वैक्सीनेशन को इतने करोड़ हम वैक्सीनेशन करा देंगे, इतने 26 मतलब दिसंबर तक का टाइम मांगा सरकार ने, हम करा देंगे, लेकिन कोरोना की लहर पहले आ गई। तो सरकार का कहना है कि जो विपक्ष है ये वैक्सीनेशन पर भ्रमण फैला रहा है। नहीं, कोई भ्रमण नहीं, हम तो गांव-गांव जाके वैक्सीनेशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वैक्सीन भी तो होनी चाहिए। वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की पूरी कमी है। 3-3 महीने किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, किसी PFC पे 3-3 महीने वैक्सीन ही नहीं रही, पब्लिक लगवाए भी तो कहाँ लगवाए, गांव-गांव हेल्थ वर्कर फैले हुए हैं। लेकिन आपने विधायक के रूप में जनता के बीच में कोरोना को लेकर क्या प्रयास किए कोरोना से बचाने के लिए? कोरोना से बचाने के लिए भैया हमसे जो हो सका मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, जो हमारे अपने सूत्र से उन सूत्रों से ऑक्सीजन की व्यवस्था किया, और उसके बाद जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे न कर सके तब मैंने हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए गुंदलामो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कसमंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तीनों के लिए मैंने डबल नोजल का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही खरीद लिया है, उसको कल हम लगाएंगे और कल उसका उद्घाटन करेंगे। 2022 आ रहा है, क्या तैयारियां है चुनाव की? चुनाव की तैयारी हमारी पूरी 5 साल चलती है जी, हमारी 2022 की पूरी तैयारी है, बाकी मैं नहीं बता सकता कि किसकी क्या तैयारी है। हम 2022 में पुनः फिर जीत के आएंगे, क्योंकि मैंने 5 साल जनता के बीच में काम किया है। टिकट की एक भ्रम फैल रहा है कि मरीज को भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है? नहीं, इस विषय पे तो हम अभी कुछ कह ही नहीं सकते, हम तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, भविष्य में क्या होगा
इसका फैसला हम अभी नहीं कर सकते, 2022 का फैसला हम अभी नहीं कर सकते, वो तो फैसला जनता के बीच में होगा। हम निर्दलीय खड़े होंगे तो निर्दलीय जनता जनता को जिता देगी, अगर जनता हमारे कामों से खुश होगी तो, और नहीं तो चाहे जितनी बड़ी पार्टी से खड़े हो जाएं